हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनी, शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ और एक कंसल्टेंट। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा टमाटर और लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी भी होगी। और जो लोग स्पेशली तीखा खाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ चटपटा खाना पसंद करते हैं, उनको ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये आप लंच या डिनर में किसी भी टाइम खाने के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान सी टमाटर और लहसुन की चटनी बनाने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टमाटोज़ यूज़ करूँगा, जो कि 3 मीडियम साइज टमाटो हैं। बाद मैं इसमें यूज़ करूँगा 12 से 15 क्लोव्स गार्लिक के, जो इसमें अच्छा फ्लेवर देने वाले हैं। और इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज, जो कि मैं डालूँगा 4 से 5। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, जो मैं डालूँगा 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें डालूँगा रेड चिली फ्लेक्स, जो कि मैं डालूँगा 1 टीस्पून। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, जो कि 2 टेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टमाटर को गैस पे डायरेक्ट फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम वो प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम एक जाली ले लेंगे, जो कि हम गैस पे रखेंगे और साथ ही साथ फ्लेम ऑन कर लेंगे। और इसके ऊपर जो हमारे साबुत टमाटोज हैं उनको रख के रोस्ट कर लेंगे। और इनको ध्यान रहे, हमने रोस्ट तब तक करना है जब तक इनकी स्किन जो है वो अच्छी तरह बर्नट नहीं हो जाती, यानी कि जल नहीं जाती, काली नहीं हो जाती। सो दैट कि हम इसके बाद उसको ठंडा करने के बाद इसकी जितनी भी ब्लैक स्किन है वो निकाल देंगे और बाकी हम टमाटो जो है वो चटनी के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टमाटर की जो स्किन है वो ब्राउन होनी यानी कि जलनी शुरू हो गई है। तो इसको हमने अच्छी तरह ब्लैक कर लेना है, काला कर लेना है, सो दैट कि इसकी स्किन जो है वो पूरी जल जाए और इसको निकालने में बहुत आसानी हो, क्योंकि हम इसको बिल्कुल भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टमाटो है वो अच्छी तरह बर्न हो चुका है, इसकी स्किन अच्छी तरह जल चुकी है। हम ऐसे ही बाकी के भी जो टमाटोज़ हैं उनकी भी स्किन बर्न कर लेंगे। लीजिए, हमारे सारे टमाटोज जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, यानी कि इनकी स्किन जो है वो बर्न हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं ठंडा और उसके बाद इसकी स्किन जो है वो उतार लेंगे। तो ये टमाटोज अब ठंडे हो चुके हैं। तो अब देखिए, हम धीरे धीरे इसकी जो स्किन है, जो जली हुई स्किन है, हम वो उतार लेंगे। इसको रोस्ट करने का फ़ायदा यही होता है कि इसकी स्किन जो होती है वो बड़े आसानी से टमाटर से निकल जाती है। तो लीजिए, टमाटो की सारी स्किन उतर चुकी है। अब मैं आपको इसका अगला प्रोसेस, जो कि चॉपर में होगा, वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने स्किनलेस टमाटोज ले रखे हैं इसको हम डाल लेंगे चॉपर में। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हमने इसको पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा रखना है। इसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं ग्रीन चिलीज। अब हम इसमें डाल लेते हैं गार्लिक, जो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इन सारी चीज़ों को सबसे पहले चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से ये चॉप हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसको ज़्यादा पीसा नहीं है, यानी कि प्यूरी या पेस्ट में नहीं बनाया, इसको मैंने थोड़ा थिक ही रखा है। तो चॉपर में इसको चॉप करने का मतलब यही होता है कि थोड़ा मोटा रहना चाहिए, क्योंकि इसकी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो आनी चाहिए। अब हम इसमें डाल लेते हैं सॉल्ट टू टेस्ट। और हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट, जो कि है चॉप कोरिएंडर, जो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो चलिए, इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, सो दैट कि इसमें सॉल्ट भी अच्छी तरीके से मिल जाए और साथ ही साथ ग्रीन कोरिएंडर भी अच्छी तरीके से मिल जाए। तो लीजिए, हमारी बहुत ही आसान सी टमाटर और लहसुन की चटनी, जो कि स्पाइसी और चटपटी भी है, रेडी हो चुकी है।